मेरे चैनल पे गाइस। आज के वीडियो में एक नई रोम लेके आया हूँ रेडमी के K20 प्रो में। तो यहाँ मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा हूँ गाइस। इस रोम का नाम है चेरिश OS और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाकी के डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो 11 पे बेस्ड है ये रोम और गाइस चेरिश OS आपको देखने को मिलता है 2.1.5 का। तो यहाँ पे गाइस हम सिक्योरिटी पैच की बात करें तो 5 जनवरी का देखने को मिलता है जो कि काफी लेटेस्ट अपडेट है। इसमें जो आपको कर्नल देखने को मिलता है 4.14.212 फ्लूइड एक्सटेंडेड कर्नल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस देखेंगे हम क्या कुछ फीचर्स हमें ये रोम प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह का परफॉर्मेंस हमें इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस सिस्टम में हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप फ्रंट कैमरा सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको कैमरा LED का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ से आप कैमरा LED को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ रखना है तो आप इसे अनटिक करके इसे ऑफ रख सकते हैं और इसे टिक करके ऑलवेज ऑन रख सकते हैं। यहाँ पे गाइस सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है फ्रंट कैमरा रेज डायलॉग का, जहाँ पे आपका कैमरा जब पॉपअप होता है तो ये आपको पूछता है कि आपका जो कैमरा है उसे आपको पॉपअप करना है कि नहीं। जैसे कि आप बार बार लॉक स्क्रीन यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इसे यस करते हो तो आपका कैमरा पॉपअप होता है, अदरवाइज ये पॉपअप नहीं होता। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है फ्रंट कैमरा साउंड इफेक्ट का, जहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पे भी आप कैमरा आपका पॉपअप होता है तो आपको कुछ इस तरह का आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और लास्ट ऑप्शन आपको कैलिब्रेशन का मिल जाता है, जहाँ से आप अपना जो मोटर है उसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस थर्ड ऑप्शन आपको गेस्चर्स का देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको गेस्चर्स के रिगार्डिंग सेटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको क्विकली ओपन कैमरा का देखने को मिलता है, जहाँ पे भी आप पावर बटन दो बार क्लिक करते हो तो आपका कैमरा ओपन हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपको सिस्टम नेविगेशन का देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको नेविगेशन के रिगार्डिंग सेटिंग देखने को मिल जाती है। पहला आपको गेस्चर नेविगेशन देखने को मिलता है, जिसमें भी आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको राइट एज और लेफ्ट एज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो और यहाँ बार लेंथ को आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप जीरो पे रख देते हो तो ये पूरा हाइड हो जाता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको 2 बटन नेविगेशन का देखने को मिलता है और 3 बटन नेविगेशन का देखने को मिल जाता है। तीनों ही काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको प्रिवेंट रिंगिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आप म्यूट वगैरह करते हो तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 2 बटन से आप अपना डिवाइस म्यूट कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे पावर और वॉल्यूम आपका बटन आप यूज़ कर सकते हो, तो ये आपको फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपको पावर मेन्यू का देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको डिवाइस कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आप पावर बटन होल्ड करते हो तो आपको कंट्रोलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लास्ट आपको एडेप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ से आपको जो भी आपका म्यूजिक वगैरह प्ले हो रहा है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो अपने वॉल्यूम रॉकर बटन से। यहाँ पे गाइस नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप अपडेट्स वगैरह चेक कर सकते हो और डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से ही। यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस हम बात करेंगे और क्या कुछ फीचर्स हमें ये रोम प्रोवाइड करता है। तो सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पे सिक्योरिटी में आप देख सकते हो आपको फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिलता है और फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ऐप लॉकर का सपोर्ट आपको इस रोम में मिसिंग देखने को मिलता है, जो कि एक ड्रॉबैक देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट काफी अच्छे से वर्क करता है और फेस अनलॉक भी काफी अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट में टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले डिवाइस लॉक करता है तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का आपको डायलॉग देखने को, या आप नहीं भी टिक करोगे तो ये 5 सेकंड में ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट रखते हो और ये रीड करता है, ये रीडिंग में थोड़ा टाइम लेता है लेकिन काफ़ी एक्यूरेट रीड करता है। यहाँ पे गाइस अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बात करूँ फिंगरप्रिंट का तो वो भी काफ़ी एक्यूरेट काम करता है लेकिन रीडिंग में थोड़ा टाइम लेता है। फेस अनलॉक की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको यस करोगे तो आपका जो कैमरा है पॉपअप हो जाएगा और आपका स्क्रीन जो है फेस डिटेक्ट करके अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है इस रोम में। अभी यहाँ पे गाइस आपको देख सकते हो आपको कैमरा गो प्री इंस्टॉल इस रोम के साथ ही देखने को मिलता है, जो कि ओरिजिनल APK देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको 4 मोड देखने को मिलता है, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो और ट्रांसलेटर मोड। चारों ही मोड काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ ऊपर की तरफ में आपको कुछ सेटिंग का टैब मिलेगा, हर एक मोड में आप कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो UI काफ़ी स्मूथ है इस रोम का और इसमें आपको पिक्सल लॉन्चर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको चेरिश OS की तरफ से ही लॉन्चर देखने को मिलता है, तो चेरिश OS का जो लॉन्चर है काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे होम सेटिंग में आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जो नया ऐप डाउनलोड करते हो डायरेक्ट आपके होम स्क्रीन पे शो होना चाहिए कि नहीं उसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डॉट का ऑप्शन देखने को भी मिल जाता है, यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो और कौन से ऐप का नोटिफिकेशन आपको ऑफ करना है तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे गाइस अगला ऑप्शन आपको होम स्क्रीन रोटेशन का देखने को मिलता है, जहाँ पे भी आप अगर रोटेशन ऑन करते हो ऑटो रोटेट और आपका होम स्क्रीन टिल्ट करते हो तो ये टिल्ट हो जाता है और ये भी आपको काफ़ी अच्छे से वर्किंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस और भी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एनेबल ग्रिड ऑप्शन और
क्विक सर्च बार का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, ये सर्च ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ड्रॉअर में आपको बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। व्हाइट कलर का आपको एंशिएंट कलर देखने को मिलता है जो कि आप डिसेबल नहीं कर सकते, आपको डिफॉल्ट यही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे गाइस आपको देख सकते हो टॉगल आइकन्स पे आपको डार्क थीम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये अप्लाई हो जाता है। तो कुछ एक बार आपका फ़ोन रिस्टार्ट होता है और ये अप्लाई हो जाता है, तो इसमें भी आपको बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे हम बात करेंगे गाइस कस्टमाइजेशन का क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम जाएंगे इसके सेटिंग के तरफ में, तो आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको हर एक सेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कुछ अलग तरह सा आपको इंटरफ्रेंस देखने को मिल जाएगा। आप सिर्फ वन सिंगल हैंड थंब से भी इसे यूज़ कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो आपको चेरी सेटिंग करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के सभी टैब देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन आपको स्टेटस बार का देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो आपको कई सारे सेटिंग देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप ट्रैफिक इंडिकेटर्स वगैरह आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। क्लॉक सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप 4G आइकन्स वगैरह यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे गाइस नीचे आपको वाईफाई आइकन्स वगैरह भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप बैटरी परसेंटेज वगैरह भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे गाइस अगला सेटिंग आपको क्विक सेटिंग का देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको थीम्स के रिगार्डिंग सेटिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वन UI का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको एक्शन बार वगैरह वन UI की तरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो ब्राइटनेस स्लाइडर आपको कब देखना है, या तो ऑलवेज पे भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे ऑलवेज शो करता है। नीचे गाइस आपको कई सारे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्राइटनेस कंट्रोल, और गाइस यहाँ पे लास्ट में आपको बैटरी परसेंटेज इनेबल डिसेबल का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो बैटरी परसेंटेज आपको कहाँ पे सेट करना है। थर्ड ऑप्शन आपको थीम्स का देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप थीम्स का कलर वगैरह और UI का स्टाइल वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो। अगला ऑप्शन आपको बटन्स का देखने को मिलता है, जहाँ पे आप नेविगेशन गेस्चर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। यहाँ पे आप नेविगेशन बार डिसेबल एनेबल का बटन देखने को मिलेगा, जो कि आप 2 बटन नेविगेशन यूज़ करोगे या 3 बटन उसमें वर्क करने को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस अगला ऑप्शन आपको एनिमेशन का देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एनिमेशन के रिगार्डिंग सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे गाइस और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और गाइस यहाँ पे मिशीलियस का भी ऑप्शन देखेंगे। इसमें गाइस आपको गेम मोड का सपोर्ट देखने को मिलता है, आप यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हो। और गाइस लास्ट ऑप्शन आपको अबाउट सेक्शन का देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको रोम के बारे में और भी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सेफ्टी नेट फीचर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट करके दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपको फेल देखने को मिलता है, क्योंकि ये सेफ्टी नेट फीचर रीड नहीं कर पा रहा है। तो हम सेटिंग में आपको दिखा देंगे, तो यहाँ पे हम नीचे देख सकते हो डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड लिख के आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो सेफ्टी नेट फीचर है वो फेल देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस DRM इन्फो की बात करते हो, वाइड वन L3 देखने को मिलता है, क्योंकि मेरा जो L1 है लॉस्ट हो चुका है, मैं इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी सर्च कर रहा हूँ कि मैं L1 वापस से अपने डिवाइस में ला सकूँ। अगर मुझे कुछ मिलता तो मैं अपने चैनल पर अपडेट कर दूँ। यहाँ पे सपोर्टेड रिफ्रेश रेट आपको 60Hz का देखने को मिल जाता है। बेंचमार्क टेस्ट की बात करूँ तो बेंचमार्क टेस्ट मैंने ऑलरेडी कर रखा हो, तो यहाँ पे जो आपको स्कोर देखने को मिलता है 441,000 का देखने को मिलता है, जो कि आपको हाई एंड परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि गाइस इसका जो नॉर्मल रॉम है वो भी सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप रैंकिंग में आप चेक कर सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आप करेंगे इसका पबजी टेस्ट और देखेंगे पबजी में क्या कुछ परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मैं पबजी गेम लोड हो चुका हूँ। हम जाएंगे इसके सेटिंग के तरफ में, तो आप यहाँ पे ग्राफिक्स में देख सकते हो आपको डिफॉल्ट HD विथ हाई फ्रेम रेट देखने को मिलेगा आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे। यहाँ पे मैंने इसमें ऑलरेडी गेमिंग वगैरह करके रखा और काफ़ी अच्छा गेम चलता है, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आपको HDR में आपको एक्सट्रीम तक का सपोर्ट देखने को मिलता है, अल्ट्रा HD में आपको अल्ट्रा FPS तक का सपोर्ट देखने को मिलता है। हम HD विथ एक्सट्रीम सेटिंग में गेम प्ले करेंगे, देखेंगे हमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं, और किस तरह का ये रॉम आपको परफॉर्मेंस देता है। तो यहाँ पे हम एक अरीना मैच ओपन करेंगे, down.
तो यहाँ पे आपने देखा गाइस काफ़ी अच्छा गेम प्ले हो, हमें कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला, एक भी फ्रेम ड्रॉप भी नोटिस नहीं हुआ। तो यहाँ पे गाइस इस रॉम का गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, आप एज ए गेमिंग रॉम इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, इसमें आपको बैटरी ड्रेनिंग का इशू भी देखने को नहीं मिलता। और गाइस यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे गाइस आपको स्मार्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, आप यहाँ से इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते। अगर आप इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं है तो आप इसे यूज़ मत कीजिए। और गाइस यहाँ पे आपको नीचे और भी डिटेल्स देखने को मिल जाती है बैटरी की, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन यूजेज देख सकते हो, और गाइस यहाँ पे बैटरी टेम्परेचर भी यहाँ से देख सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरह का आपको ये रॉम का इंटरफ्रेंस वगैरह देखने को मिलता है। अब गाइस यहाँ पे हम बढ़ेंगे इसके इंस्टॉलेशन की तरफ, तो हम ना फोन बूट करेंगे रिकवरी मोड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस हमारा डिवाइस बूट हो चुका है रिकवरी मोड में। हम जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम चीज़ें वाइप करेंगे। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना डेटा वेंडर सिस्टम कैच और डेल्विक, इसे आपको सिलेक्ट करना और इसे कर देना वाइप, तो ये वाइप हो जाएगा। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे फाइल्स में नेविगेट कर लेना, कहाँ पे आपने फाइल्स कॉपी कर रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा रॉम की फाइल है, और इसमें मैं जो मेरा फ्रेमवेयर है वो यूज़ करूँगा 12.0.4, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं रॉम की भी फाइल इसके साथ में डाल दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों फाइल में फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, इसे फ्लैश होने में 2 से 3 मिनट लेगा, तब तक के लिए हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस मेरा रॉम सक्सेसफुली फ्लैश हो गया। गाइस इसमें आपको जी एप्स प्री इंस्टॉल नहीं देखने को मिलता, तो आपको बाहर से जी एप्स की फाइल फ्लैश करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जी एप्स की फाइल सिलेक्ट कर देता हूँ और इसे भी करता हूँ फ्लैश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जी एप्स की फाइल भी फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो गई, गाइस ये फ्लैश होने में करीब 1 मिनट तक ले सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जी एप्स की फाइल भी फ्लैश हो गई। अब करेंगे हम सिस्टम रिबूट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा रॉम बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का आपको बूट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा इस रॉम में। गाइस यहाँ पे बूट होने में करीब 3 मिनट तक ले सकता है, तो आप वेट कीजिए तब तक के लिए आपका फोन सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज होकर बूट हो जाए। तो गाइस कुछ इस तरह से आपको ये रॉम अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है फ्लैशिंग के रिगार्डिंग, तो मैं टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अब नए वीडियो में नए रॉम के साथ।